नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजेश कुमार और मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं जिसके बारे में हम हर कोई सोचता है, हर एक हिंदुस्तानी, हर एक पाकिस्तानी, हर एक बांग्लादेशी सोचता है कि आखिर अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होता तो क्या होता। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए। पहली बात तो बांग्लादेश ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि भारत अगर पाकिस्तान एक होता तो फिर ये पाकिस्तान का पार्टीशन ही नहीं, पाकिस्तान का डिवीजन ही नहीं होता। बट हम आज इन टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इकोनॉमी वाइज क्या इम्पैक्ट पड़ता, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी थे आज़ादी के टाइम पे जिन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि भारत आज़ाद होते के साथ ही बहुत ही जल्दी रिच हो जाएगा, भारत के लोग बहुत जल्दी गरीबी से बाहर आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, अगर एक होता तो क्या होता, इन सब के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने एनालिसिस। जो मेरी एनालिसिस है, यानी मेरी एनालिसिस ये कहती है कि ऑयल प्राइस जो होता अभी संयुक्त भारत में वो काफ़ी चीपर होता मौजूदा रेट से, और जो इंडियन रुपी होती, संयुक्त भारत की जो करेंसी होती, वो जो करेंसी तीनों देशों में है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती, चाहे वो पाकिस्तानी रुपी हो या इंडियन रुपी हो या बांग्लादेशी टका हो। अगर तीनों की जगह, अगर तीनों देश एक होता और तीनों की जगह सिंगल करेंसी होती तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती। और तीसरा जो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि पर कैपिटा इनकम है वो कहीं ज़्यादा होता जो आज है तीनों देशों में, और इंडिया की जीडीपी जो है वो कहीं अच्छा फ्लरिश कर रही होती, कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती अगर संयुक्त भारत होता तो। और इंडिया का जो टूरिज्म बिजनेस है वो भी कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता। अब मैं ये सब किस आधार पे कह रहा हूँ इसके लिए मैं आपको मैप पे ले चलता हूँ। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है अभी जो करंट इंडिया है, और ये पाकिस्तान, और यहाँ इधर बांग्लादेश है। अब अगर ये तीनों देश एक होते तो सबसे बड़ा फायदा जो हमें मिलता कि ईरान से आने वाले तेल के लिए हमें कोई मशक्कत करनी नहीं पड़ती, डायरेक्ट पाइपलाइन होता और ईरान के पाइपलाइन के थ्रू सीधा तेल पूरे भारत में पहुंचाया जा सकता था, जिसके कारण तेल का प्राइस जो होता वो काफ़ी कम होता। और आपको पता ही है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, इसलिए अगर तेल के प्राइस अगर हमारे लिए कम होते तो हमारी करेंसी भी, जो संयुक्त भारत की करेंसी है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होती व्हेन कंपेयर टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। अब जो तीसरा पॉइंट था मेरा कि पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ जाती। पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ती? पहली बात तो अगर हमारी करेंसी अच्छा परफॉर्म कर रही है, दूसरी बात कि हमें जो ट्रेड रूट्स हैं उसके एक्सेस बहुत आसानी से मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया पाकिस्तान एक होता तो यहाँ से हम यहाँ के प्रोडक्ट हम यहाँ भेज सकते हैं, शिप कर सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ भेज सकते हैं, यहाँ से रसिया भेज सकते हैं, जिसके लिए हमारा जो मार्केट है, जो हमारा कंज्यूमर मार्केट था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। और ये बहुत ही वेल नोन फैक्ट है कि जब भी किसी कंट्री का ट्रेड बढ़ता है, कि जब भी किसी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो वहाँ के लोग अमीर होते हैं। भारत सोने की चिड़ियाँ इसलिए कही जाती थी उस पुराने जमाने में क्योंकि भारत का ट्रेड बहुत ज़्यादा था, पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड पे 27% कब्जा था इंडिया का, जिसके कारण भारत को सोने की चिड़ियाँ कही जाती थी। तो भारत फिर से रिच हो जाता, और हमारे जो क्रांतिकारी मान के चल रहे थे, क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी ने बहुत जगह लिखा है कि इंडिया आज़ाद होते के साथ ही बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाता, वो उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये पार्टीशन होगा और इंडिया और पाकिस्तान अलग होंगे, बांग्लादेश अलग होगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जो एक लार्जर पिक्चर लेके चल रहे थे कि ट्रेड रूट का एक्सेस हमारे लिए बहुत आसानी से आसान होगा, जिसके कारण से हमारा ट्रेड बहुत अच्छा बढ़ेगा, जिसके कारण से हम काफ़ी रिच हो जाएंगे। बट ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो एक इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन था, पार्टीशन था, वो इस तरीके से कराया गया ताकि दोनों में से किसी कंट्री को फायदा ना हो, जो कि काफ़ी गलत हुआ। मैं तो मानता हूँ कि पार्टीशन होना ही नहीं चाहिए था, बट जो हो गया सो हो गया। अब ये है मेरा एनालिसिस। और हाँ, माफ़ कीजिएगा, मैं एक पॉइंट मिस कर रहा हूँ। मैंने ये भी कहा था कि जो टूरिज्म बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। ये टूरिज्म बिजनेस फ्लरिश इसलिए कर रहा होता कि बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ टूरिज्म बिजनेस बढ़ सकता था, बट इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं। अब वो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए चल रही हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में टेंशन हैं, और टेंशन इसलिए कि ये दोनों अलग कंट्रीज हैं। बट अगर दोनों अलग कंट्री होते ही नहीं
तो ये जैसे कश्मीर हो गया, तो कश्मीर में ऐसा कुछ समस्या ही नहीं होता कि कश्मीर में ऐसी कुछ समस्या नहीं होती कि जो टेररिज्म का या फिर जो इतने भी एक हॉट फ्लैश पॉइंट बना हुआ है वो फ्लैश पॉइंट नहीं बना होता, जिसके कारण बहुत सारे लोग घूमने आते। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, बहुत सारे लोग घूमने आते, कश्मीर के जो लोकल लोग थे वो काफ़ी रिच हो जाते। बट ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सब सारे देशों का पार्टीशन हुआ है, जिसके कारण से संयुक्त भारत को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो दैट्स इट दोस्तों, ये है मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके और भी एस्पेक्ट्स पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू।